हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टर्बो सी ओपन कर लेता हूँ। तो आज हम सर्कल का एरिया सुधने का प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट एंटर कर देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे हम सर्कल का एरिया सुधने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ओके, पाई मल्टीप्लाई आर। ओके, तो यहाँ पे हम सर्कल का एरिया सोचने के लिए पाई आर स्क्वेयर यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम फटाफट प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडर फाइल एंटर कर दूँगा। ओके, उसके बाद मैं पाई की वैल्यू एंटर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हैशटैग एंटर करता हूँ, उसके बाद डिफाइन पी आई, तो यहाँ पे पाई कैपिटल में एंटर करना है। ओके, उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14। ओके, अब यहाँ पे मैं मेन फंक्शन एंटर करता हूँ, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल सोचने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सर्कल सोचने के लिए हमें पाई और आर की ज़रूरत है। ओके, आर एटले के रेडियस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूजर से रेडियस एंटर कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप फ्लोट एंटर करता हूँ और यूजर से रेडियस एंटर कराने के लिए आर वेरिएबल लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे सी आर और एस सी आर एंटर करते। ओके, अब यहाँ पे मैं यूज़र से रेडियस एंटर करवाने के लिए एक मैसेज प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैसेज के लिए हम प्रिंटफ एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर द रेडियस फॉर सर्कल। ओके, और यहाँ पे स्लैश एन और डबल कोटेशन, उसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन। ओके, अब यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे मैं यूजर से रेडियस की वैल्यू एंटर करवाने के लिए स्कैनएफ एंटर करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं परसेंटेज एफ एंटर करूँगा, उसके बाद आर एंटर करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप फ्लोट है, इसलिए हमने एफ एंटर किया। ओके, और आर की वैल्यू एंटर करवाने के लिए हमने ए एंटर किया। ओके, अब यहाँ पे हम सर्कल का एरिया सुधने के लिए हम ए एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एरिया के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ए एंटर करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू पी आई मल्टीप्लाई आर। ओके, और सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम एरिया के लिए ए यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं एरिया को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं ए प्रिंट करवाता हूँ। ओके, और सेमी कोलन, और यहाँ पे सबसे लास्ट में गेट सी एच। ओके, अब यहाँ पे हम ऑल्टर एफ नाइन से रन कर दें, तो यहाँ पे एक एरर आई है। तो यहाँ पे क्या एरर है, फंक्शन कॉल मिसिंग। तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे मैं ऑल्टर एफ नाइन से कंपाइल करता हूँ और कंट्रोल एफ नाइन से रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, एंटर द रेडियस फॉर सर्कल। तो यहाँ पे मैं रेडियस 5 एंटर करूँगा, उसके बाद एंटर करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, मैं जो लेता हूँ। ओके, यहाँ पे परसेंटेज एफ एंटर करना है मुझे। फिर से मैं ऑल्टर एफ नाइन से कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से 5 एंटर करता हूँ और यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू एंटर करते, तो यहाँ पे अब हम रेडियस एंटर करेंगे 6। तो यहाँ पे 6 का भी एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम लंबाई गुणा पौड़ाई का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कमेंट में एंटर कर देता हूँ,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लंबाई के लिए एल और पौराई के लिए बी यूज करेंगे। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर बी एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए एल मल्टीप्लाई एल यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडर फाइल एंटर कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद मैं मेन फंक्शन एंटर करता हूँ। उसके बाद ओपन ब्रास और क्लोजिंग ब्रास। अब यहाँ पे मैं डेटा टाइप लेता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे मैं यूज़र से लंबाई एंटर कराऊंगा और ब्रेथ एंटर कराऊंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं सी एल आर एस सी आर एंटर कर देता हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पे यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करूँगा एंटर द रेडियस, सॉरी सॉरी गाइस, एंटर द लंबाई एंड बी आर ए टी एच ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन एंटर करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं स्कैनअप एंटर करूँगा। सबसे पहले मैं लंबाई के लिए परसेंटेज डी और ब्रेथ के लिए परसेंटेज डी एंटर करूँगा, और यहाँ पे लंबाई और पौड़ाई। ओके, तो यहाँ पे मैं रिक्टेंगल के एरिया के लिए आर और ए वेरिएबल लेता हूँ, और स्क्वायर ऑफ एरिया के लिए ए एस वेरिएबल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आर ए एंटर करूँगा और रिक्टेंगल एरिया के लिए एल मल्टीप्लाई बी एंटर करूँगा। ओके, और उसके बाद स्क्वायर के एरिया के लिए ए एस एंटर करूँगा, और यहाँ पे एल मल्टीप्लाई एल एंटर करूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं इस दोनों को प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट एप एरिया ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी इसलिए एंटर किया कि यहाँ पे हमने डेटा टाइप इंट लिया था। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं आर ए एंटर करता हूँ। ओके, और सेम टू सेम एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं ए एस एंटर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे सबसे लास्ट में गेट सी एच एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑल्टर एफ नाइन से कंपाइल करूँगा और कंट्रोल एफ नाइन से रन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है एंटर द लंबाई एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे मैं लंबाई एंटर करता हूँ 5 और एंटर करूँगा, और ब्रेथ एंटर करता हूँ 5। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25 और एरिया ऑफ स्क्वायर 25 आ गया। ओके, यहाँ पे मैं स्लैश एन एंटर करता हूँ। ओके, फिर से मैं रन करूँगा, और इस बार मैं यहाँ पे लंबाई एंटर करूँगा 4 और ब्रेथ एंटर करूँगा 5। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 एटले कि एल गुनिया बी 4 × 5, तो यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर 16 आ गया। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।